जब हमारे हाथ से कोई चीज जाती है तो हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं हम, और उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि ये हमारे हाथ से जाने ना पाए। कोई भी चीज हो सकती है, हमारा रिश्ता हो सकता है, हमारी जॉब हो सकती है, कोई भी हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है, कुछ भी हमारे हाथ से, हमारा जो बहुत, जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, अगर वो हमारे हाथ से जाता है तो हमको बहुत ज्यादा सच में तकलीफ होती है कि किसी तरह से हम इसे रोक लें, लेकिन फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते हैं, वो चला जाता है, क्योंकि कुछ चीजें ऊपर वाला तय करता है। जितने दिन हमारे पास जिसे रुकना होगा उतने दिन ही रुकेगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। हम केवल दुखी होते हैं कि हम इसे रोक नहीं पाए, और अब चाहे हम कुछ भी कर लें, हमको इससे अच्छा तो नहीं मिलने वाला है। सच में हम ऐसा ही सोचते हैं उस वक्त कि इससे अच्छा तो नहीं मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी समय तक हम दुखी भी रहते हैं कि हमारे हाथ से चीज चली गई, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जब समय आता है तो हम उस चीज को भूलना भी शुरू कर देते हैं कि चलो अब हमको इसके बगैर ही रहना है। लेकिन जब कुछ समय बाद हम उसके बगैर जीना सीख जाते हैं या सीख लेते हैं काफी कुछ हद तक, तो एक नई किरण, एक नया इंसान, एक नई जॉब, कुछ भी जो हमारे हाथ से गया था उससे ज्यादा अच्छा हमारे जीवन में आने लगता है। हमको दिखाई देने लगता है कि यार ये तो उससे भी अच्छा है जो चला गया, उसकी और इसकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती, कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है। और हम इतने ज्यादा दुखी थे उस वक्त कि हमारे हाथ से जा रहा है, तो जब कोई चीज जाएगी नहीं तो हमारे पास नई चीज आएगी कैसे। हाँ दुख होता है क्योंकि हमको भविष्य हमारा दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम दुखी होते हैं, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं रहती। ये परिवर्तन हमारे जीवन में हमेशा अच्छे के लिए होता है, और यकीन मानिए जब आपके हाथ से कोई चीज जाती है तो उससे बेहतर ही आपको मिलती है, उससे कम मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जब आपके हाथ से कोई चीज जाए तो दुखी मत होइए, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए उससे ज्यादा अच्छा चुना है, और उसकी सत्ता पर यकीन करिए, ईश्वर के ऊपर बिलीव करिए कि वो आपको अच्छा देगा। क्योंकि जो आपको मिला, आप वो भी पहले नहीं जानते थे कि आपको मिलेगा, लेकिन आपको मिला। इसी तरह आप ये नहीं जानते हैं कि उससे अच्छा आपको मिलने वाला है, आपको जरूर उससे अच्छा मिलेगा। बस ईश्वर पर भरोसा करिए और समय को जाने दीजिए, खुश होकर के रहिए, मस्त होकर के रहिए, और पता ही नहीं चलेगा कि कब एक अच्छी सी चीज आपके जीवन में आ गई जो आपने खोया था, उससे ज्यादा बेहतर, और वो जरूर आता है। इसलिए कभी मायूस मत होइए कि कोई हमारे हाथ से कोई चीज, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई, उसके लिए दुखी मत होइए, हमेशा खुश होकर के रहिए। जिसे लाख कोशिशें करके आप रोक नहीं पाए हैं, उसे जाना ही है, और फिर उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उससे अच्छा जरूर आपके जीवन में आएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।